दुनिया भर में रिकॉर्ड ऐसे 3 हॉरर और रहस्यमय वीडियोस जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और लास्ट वाला तो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, कहा जाता है कि छोटे बच्चे भूत प्रेत जैसी चीजों को देख सकते हैं और ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड हुआ इस वीडियो में। यहाँ पर एक छोटी बच्ची अपनी फैमिली के साथ किसी के ग्रेवयार्ड पर आई थी, तभी अचानक वो किसी अदृश्य आत्मा से बात करने लगी और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने उसे किस भी दी, जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है। नंबर 2, ये फुटेज मेक्सिको के एक मॉल का है जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन अगले दिन जब ये फुटेज सामने आया और उसे दिखाया गया तब उसके होश और उसने बताया कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठकर रो रही थी जिसे वो चुप कराने के लिए उसे बात कर रहा था। नंबर 3, कुछ सालों पहले सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये फुटेज इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी जिसमें एक महिला शांति से एक चेयर पर बैठी हुई है, तभी अचानक उसे कोई अदृश्य शक्ति टकराती है और वो कुर्सी से कई मीटर दूर जाकर गिरती है, जिसके बाद वो लड़की काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद टेबल और कुर्सियाँ उसका रास्ता रोक देती है, जिसके बाद वो लड़की इतना डर जाती है कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। वैसे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर। दुनिया भर में दोस्तों, यह वीडियो एक YouTube चैनल पर से ली गई है जिसमें इनका दावा था कि रात में इनके घर में हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और इन्होंने अपने कैमरे में सभी घटनाओं को कैद कर लिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या यह सच में कोई भूत है या कोई एडिटिंग? अपनी राय जरूर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बिजली गिरी थी। अच्छा हुआ हम लोग बच गए। हे भगवान, अब कुछ मत करना। अबे चुप हो जाओ, अबे चुप हो जाओ यार। मुझे लगता है हम में से कोई एक पापी है जिसे भगवान मारना चाहता है। अरे तो पता कैसे चलेगा? वो पेड़ देख रहे हो? उसको एक एक करके छू कर आना होगा। जो पापी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी। तो सिर्फ ये छोटू बचा है। क्यों रे, तूने ऐसा क्या पाप किया? मैंने कोई पाप नहीं किया है। क्या पता एक इंसान की अच्छाई ने सबको बचा कर रखा। मेरे को हॉरर मूवी देखना तो बहुत पसंद है और अकेले घर पे बैठ के देखना तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ना अगर आप पूरे थिएटर में अकेले हो और हॉरर मूवी चल रही हो ना तो मजा नहीं आता, डर लगता है। मम्मी, मम्मा, मम्मी। मेरे को हॉरर सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है, खाली छोड़ी बटा। एक शॉर्ट रियल हॉरर स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। एक साइको हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ को किल कर देता है और उन दोनों का एक छोटा बेटा होता है जो बेड पर सो रहा होता है और उसे कुछ पता नहीं है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को किल करने के बाद उसे अपने कंधे पर बैठाकर बगल वाले गार्डन में ले जाकर दफना देता है और वो ये सोच रहा होता है कि उसका बेटा उससे ज़रूर पूछेगा कि पापा मम्मी कहाँ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक दिन बीतता है, दो दिन बीतते हैं और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो बेटा अपने पापा को गौर से देखता है और उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तब बेटा बोलता है, पापा ये मम्मी हमेशा आपके कंधे पर क्यों बैठी रहती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास रखते हो या नहीं। दीवाने नहीं होते दीवाने।
मैं हमारे सर्वर में आता हूँ पीवीपी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं। और मेरे पास है इस सर्वर के सबसे पावरफुल आर्मर सेट, ये रहा देख रहे हो ना, एकदम खतरनाक तबाही, कोई भी मेरे से जीत नहीं पाएगा। अब देखो गाइस, इस सर्वर में हमने एक जेल बनाया है, कोई भी अगर कुछ भी इलीगल किया उसको इस जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखो गाइस, इस सर्वर से मैं बाहर जाने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि नूब आ रहा है मेरे पास। भैया मेरे पीछे पीछे आओ, एक मस्त चीज दिखाता हूँ। कहाँ पे क्या है? बस मैं आराम से उसके पीछे पीछे जाने लगता हूँ और मेरे को लेके जाता है एक छोटा सा प्यारा सा घर में। What? अबे तोड़ दूंगा इसको तो इजीली। अगर मैं बाहर आ गया ना तुम खत्म बैठे। मुझे ये सर्वर का बेस्ट आर्मर दो वरना मैं आपको मार दूंगा। अबे रुक, बाहर आता हूँ, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा। What? अरे ये लो बाहर निकाल दोगे ना तुम पक्का? ये लो। ठीक है भाई मैं चलता। अरे यहाँ से कैसे बाहर जाता हूँ ये देखने के लिए आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हमारे सर्वर में आता हूँ पीवीपी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं। और मेरे पास है इस सर्वर के सबसे पावरफुल आर्मर सेट, ये रहा देख रहे हो ना, एकदम खतरनाक तबाही, कोई भी मेरे से जीत नहीं पाएगा। अब देखो गाइस, इस सर्वर में हमने एक जेल बनाया है, कोई भी अगर कुछ भी इलीगल किया उसको इस सब्जी और फलों की कुछ ऐसे फोटो जिससे आप पहली बार देखोगे, पार्ट 6 जिसके लिए आप लोगों ने पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया था। एंड भाई लास्ट वाली फोटो को देख लिया तो उसे देखकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी। क्या बात है सर। लेकिन उससे पहले लड़के हो तो लाइक कर देना और लड़की हो तो भी लाइक कर देना, और कमेंट करने आता है तो कमेंट में अपना नाम लिख देना। नंबर 1 सबसे पहले इसे देखो। अब इसे देखकर ये मत सोचना ये सनी पाजी का कोई 2.5 किलो का हाथ होगा। ना मेरे भाई, ये 2.5 किलो का तो है लेकिन ये सनी पाजी का हाथ नहीं बल्कि एक नींबू है। अब जरा इस ककड़ी को देखो जो इस तरह का रूप बनाकर पता नहीं क्या ही साबित करना चाह रही है। नंबर 2 ये देखो बटरफ्लाई, ना स्ट्रॉबेरी जो देखने में एक बटरफ्लाई की तरह लग रही है। और एक बार जरा इसे भी देखो, और मेरे भाई ये भी एक स्ट्रॉबेरी है जो देखने में बिल्कुल भालू की तरह लग रही है। नंबर 3 अब इसके पंख देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे इसे भी एक बार आसमान में उड़ने का मौका दिया जाए। अब इस फोटो को देखो, लगता है नासा वाले ने इसे स्पेस में जाने का ऑफर दिया है, इसलिए ये स्पेस सूट पहनकर एकदम से रेडी है। वैसे आपको पार्ट 7 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 7 लिख देना। फिलहाल के लिए सब्जी और फलों की कुछ ऐसे फोटो जिससे आप पहली बार देखोगे, पार्ट 6 जिसके लिए आप लोगों ने पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया था। एंड भाई लास्ट वाली फोटो को देख लिया तो उसे देखकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी। क्या बात है सर। लेकिन उससे पहले लड़के हो तो लाइक कर देना और की हो तो भी लाइक कर देना, और कमेंट करने आता है तो कमेंट में अपना नाम लिख देना। नंबर 1 सबसे पहले इसे देखो। अब इसे देखकर ये मत सोचना ये सनी पाजी का कोई 2.5 किलो का हाथ होगा। ना मेरे भाई, ये 2.5 किलो का तो है लेकिन ये सनी पाजी का हाथ नहीं बल्कि एक नींबू है। अब जरा इस ककड़ी को देखो जो इस तरह का रूप बनाकर पता नहीं क्या ही साबित करना चाह रही है। नंबर 2 ये देखो बटरफ्लाई, ना स्ट्रॉबेरी जो देखने में एक बटरफ्लाई की तरह लग रही है। और एक बार जरा इसे भी देखो, और मेरे भाई ये भी एक स्ट्रॉबेरी है जो देखने में बिल्कुल भालू की तरह लग रही है। नंबर 3 अब इसके पंख देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे इसे भी एक बार आसमान में उड़ने का मौका दिया जाए। अब इस फोटो को देखो, लगता है नासा वाले ने इसे स्पेस में जाने का ऑफर दिया, इसलिए ये स्पेस सूट पहनकर एकदम से रेडी है। वैसे आपको पार्ट 7 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 7 लिख देना। फिलहाल के लिए सब्जी और फलों की कुछ ऐसे फोटो जिससे आप पहली बार देखोगे, पार्ट 6 जिसके लिए आप लोगों ने पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया था। एंड भाई लास्ट वाली फोटो को देख लिया तो उसे देखकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी। क्या बात है सर।